नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। चलिए बात करते हैं दोस्तों उन 25,000 होमगार्ड्स के बारे में जिन्हें दोस्तों बाहर बैठा रखा है, और 25,000 के साथ में दोस्तों 16,000 कुछ पद और हैं जिन्हें बाहर बैठा रखा है। चलिए आज की लेटेस्ट अपडेट है, क्या बात है दोस्तों, जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड मुजफ्फरनगर, दोस्तों कार्यालय में प्राप्त आंख्या अभिलेखों के अनुसार आपके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विवरण प्रथम दृष्टयता प्रमाणित पाया गया है। प्रदेश में बजट के अभाव में पुलिस द्वारा उनके भुगतान के आधार पर प्रतिस्थापित होने वाली 25,000 ड्यूटी को समाप्त कर देने के विरुद्ध में दिनांक 15/10/2019 को आप द्वारा विभागीय बैज लगाकर पूर्ण वर्दी धारण कर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी गई है। सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई है जिसमें विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल हुई है। दोस्तों आप विवादित हैं कि उत्तर प्रदेश एवं होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश के स्पष्ट निर्देश के होमगार्ड विभाग एक वर्दीधारी एवं अनुशासित संगठन है। वर्दीधारी संगठन में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना अनुचित है। इस संबंध में होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश से पूर्व में प्राप्त दिशा निर्देशों को संबंधित अवैध अधिग्रहित वैध पीएसी बीबीओ हवलदार प्रशिक्षक के माध्यम से आपको समय समय पर सूचित किया जाता रहा है, परंतु आपके द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए घोर अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया है। आपके उक्त कृत्य के विभाग की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। क्यों न आपके उक्त कृत्य के लिए आपके विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाए। आप भिज्ञ हैं कि आपको होमगार्ड एक्ट 1963 की धारा 7(2) के तहत अंतर्गत उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का सदस्य नियुक्त किया गया है, और अधिनियम की धारा 10 के आप सिविल पद धारक नहीं हैं। धारा 8 में दोस्तों ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के द्वारा, ठीक है, कारण बताओ नोटिस, तो किस कारण से इन्हें निकाला गया है। सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई है और धूमिल किया गया है सरकार की छवि को, ऐसा बोला गया है इसमें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।